Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरी ये तहरीर आपने ज़िया महीउद्दीन साहब से सुनी होगी, वही तहरीर कुछ इजाफ़ों के साथ। डॉक्टर रुमाल, उसके सर पर रुमाल ऐसे ही था जैसे आपके सर पर बाल अगर हैं तो। रुमाल उसके लिबास का नहीं जिस्म का हिस्सा था, इसलिए जब परेशान होता तो रुमाल का रंग उड़ा होता। सारा दिन हॉस्टल में रिसर्च करता रहता। एक दिन हमने पूछ लिया कि क्या रिसर्च कर रहे हो। कहने लगा मैं ऐसी दरियाफ्त करने वाला हूँ जिस पर स्टूडेंट कम्युनिटी मुझे दुआएं देगी। मैं हफ्ता और इतवार के दरमियान एक और छुट्टी दरियाफ्त कर रहा हूँ। कहता मेरा वालद हूबहू मेरे जैसा था, सो जब वालदा की नज़र कमज़ोर हुई मैंने ऐनक लगवा ली। कहता हमारे घराने में इस कदर पर्दा है कि कोई लड़की और बुज़ुर्ग नंगे सर बाहर नहीं निकलता। मेरी वालदा तक वालद से पर्दा करती। वालद हर उस घर को जिसमें दाखिल होते ही खतून खाना पर्दा कर लेती, अपना ही घर समझते। जब तक किसी बेपर्दा खातून को ना देख लेते वालद को यकीन ही ना आता कि वो किसी और के घर में है। घर में सब्जियां भी वो आती जो पर्दा करती, जैसे बंद गोभी। उसने जिस दिन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के मरमरी गुंबद देखे, फिर उसने कभी उसे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ना कहा, क्वीन एडवर्ड मेडिकल कॉलेज कहता। डॉक्टर रुमाल जब कभी हॉस्टल से कॉलेज जाता तो लड़कियों को यूं देखता जैसे पहली बार देख रहा हो या फिर आखिरी बार देख रहा हो। लड़की को देखते ही अंग्रेजी पर आ जाता और उसी पर रह जाता। कहता मैंने जब भी किसी क्लास वाले लड़की से बात की उसने इजहार मोहब्बत ज़रूर किया, हालांकि बात यह थी कि जब ये मुद्दा बयान करता तो उसकी महदूद अंग्रेज़ी और लामहदूद घबराहट की वजह से लड़की ये समझती कि लेक्चर में कोई पॉइंट समझ नहीं आया, वो पूछ रहा है। वो पॉइंट वाजे करती, ये समझता सुलझे अंदाज में इजहार मोहब्बत कर रही है। एक दफ़ा लड़की को उसकी अंग्रेज़ी समझ आ गई, उसने बुरी तरह डांटा, लेकिन ये सारा दिन हॉस्टल में यही कहता रहा, बिल्कुल उसने बुरी तरह नहीं डांटा, अच्छी तरह डांटा। उसके बाद उसने अंग्रेज़ी में लिखना और बोलना बंद कर दिया, अलबत्ता दस्तखत अंग्रेज़ी में ही करता ताकि दूसरे ये ना समझें कि उसे अंग्रेज़ी नहीं आती। इस कदर शर्मीला कि किसी और के सामने फीमेल का एक्सरे ना देखता, तन्हाई में देखता। कहता है एक्सरे देखकर पहली बार मैंने ही दरियाफ्त किया है कि लड़की कुंवारी है या शादीशुदा। उसके नज़दीक शादीशुदा के जबड़ों की हड्डियाँ ज़्यादा घिसी होती। रोज़ कपड़े बदलता और मैले कपड़े उतार कर एक ड्रम में डाल देता, जब ये ड्रम भर जाता तो उसे उल्टा कर ऊपर से पहनने लगता। अच्छा कपड़े ही नहीं, रोज़ जूते भी बदलता, जिसके लिए उसे हर बार नई मस्जिद में जाना पड़ता। नज़र की ऐनत उस वक्त लगाता जब सुबह नहाने के लिए साबनदानी से साबन तलाश करना होता। तो नहाने के लिए उसने मुलाजम रखा हुआ था। हॉस्टल में गुसलखानों की कुंडियां तो होती नहीं, इसलिए गाते रहना पड़ता है ताकि दूसरे को पता चलता रहे कि अंदर कोई है। अच्छा डॉक्टर रुमाल ने नहाने के लिए मुलाजम रखा था ताकि जब ये नहाए तो वो बाहर हिफाजत करे, ताकि कोई लड़का उसे नंगा देखने की जरूरत ना करे। और नंगा से मुराद नंगे सर। हॉस्टल में जब कोई नया स्टूडेंट आता तो उसकी रिगिंग यही होती कि उसने डॉक्टर रुमाल को जाके सर कहना है। फर्स्ट ईयर वाला समझता कि बड़ी बाइज्जत रिगिंग है इस हॉस्टल में, मगर जब वो जाके सर कहता उसके बाद वो स्टूडेंट हफ्ता सर पर पट्टियां करवाता नजर आता। डॉक्टर रुमाल जब कभी क्लास में जाता टीचर उसे पीछे बेंच पर खड़ा कर देता। एक दिन क्लास में जाकर किसी को पहले ही बेंच पर खड़ा देखा तो फौरन क्लास से बाहर आ गया, हैं मैं तो पहली क्लास में मौजूद हूँ।
इतना लंबा था कि मैं तो सीढ़ी के बगैर उसके रुमाल तक नहीं पहुंच सकता था। टीचर जब उसे क्लास में खड़ा करता तो उसका आधा हिस्सा ऊपर की क्लास अटेंड कर रहा था। हॉस्टल कैंटीन पर रोज़ाना एक सेट चाय का ऑर्डर देकर आता, मगर कभी उसके कमरे में चाय ना पहुंची, जिस पर वो हर माह कैंटीन वालों का शुक्रिया अदा करता कि उनके तावन ना करने से उसे महाना माकूल बचत होती है। पूरा हॉस्टल जानना चाहता था रुमाल के नीचे क्या है। इसी कोशिश में हॉस्टल में इतनी मार कुटाई हुई, प्रिंसिपल ने सबके वालदेन को अपने ऑफिस में बुला लिया। जब ये अंदर गया तो प्रिंसिपल ने उसे उसका वालद समझकर खूब शिकायतें की। ये कुछ बोले बगैर ही आ गया और आकर कहने लगा, अगर उस वक्त मैं अपना वालद ना होता तो प्रिंसिपल को बताता कैसे मेरी इतनी बेइज्जती करता है। हम मेडिकल स्टूडेंट सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को मारते हैं कॉलेज से छुट्टी लेने के लिए। डॉक्टर रुमाल ने जब तीसरी बार वालद के मरने की एप्लीकेशन दी तो मैंने पूछा, तुम्हारे वालद तो पिछले साल भी मरे थे, अभी 3 माह पहले भी मरे हैं। बोला, मरे थे पर हमसाई पर, आज पहली बार वो बगैर हमसाई के मरे हैं। कहता है, ऐसे करने से इंसान अच्छा आदमी बन जाता है, बीए करने के बाद पता चलता है कि अच्छा आदमी बनने का कोई फ़ायदा नहीं, और एमए करने के बाद पता चलता है कि एमए करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अलबत्ता एमबीबीएस करने से पहले बंदा डॉक्टर बनता था, आजकल बेरोज़गार बनता है। कहता, मैं एहतियातन इसीलिए डॉक्टर नहीं बन रहा कि मैं बेरोज़गार होना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा, तो मेडिकल की किताबें पढ़ने की बजाय सिर्फ उनको देखकर इम्तिहान देने चले जाते हो, तो ये कोई ठीक तो नहीं ना। कहने लगा, तुम लोग सिर्फ देखकर शादी कर लेते हो, मैं इम्तिहान नहीं दे सकता। पाकिस्तान में मनसूबाबंदी की नाकामी को वो अपनी कामयाबी समझता, क्योंकि वो वालदान की 11वीं औलाद थी। उस ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन थे, वार्डन का हुक्म था कोई तालिब इल्म अपनी ज़ाती कॉल पर 5 मिनट से ज़्यादा ना लगाए, सो तलबा जब तक रॉन्ग नंबर ना होता ज़्यादा देर ना लगाते। डॉक्टर रुमाल का कभी फ़ोन ना आया। एक दिन खबर आई कि डॉक्टर रुमाल का फ़ोन आया है। खबर मिलते ही लड़कों की टोली उसे मुबारकबाद देने टेलीफोन बूथ पर पहुंची, तो वहां जो शख्स टेलीफोन सुन रहा था उसे कोई पहचान न सका, क्योंकि आज तक किसी ने उसे रुमाल के बगैर नंगे सर ना देखा था। उसका सर हमेशा के लिए नंगा हो गया था, उसकी वालदा इंतकाल कर गई थी उसी रोज़, वो भी हॉस्टल से इंतकाल कर गया। उसके बाद उससे कभी मुलाकात ना हुई, मुलाकात होती भी तो पहचानते कैसे, वो अपनी पहचान रुमाल तो हॉस्टल में ही छोड़ गया था।